नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। ये बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। मध्य प्रदेश के रायसेन में संविदा NHM कर्मचारियों ने डिप्टी कलेक्टर को दिया ज्ञापन। सांची मार्ग पर स्थित जिला कलेक्टरेट कार्यालय में संविदा NHM कर्मचारियों ने अपनी मांगों को लेकर प्रदेश के मुख्यमंत्री के नाम संबोधित ज्ञापन डिप्टी कलेक्टर मकसूद अहमद को दिया। इसके अलावा संविदा NHM कर्मचारियों द्वारा ज्ञापन CMHO डॉक्टर दिनेश खत्री, जिला अस्पताल के सिविल सर्जन डॉक्टर AK शर्मा को भी दिया। ज्ञापन के माध्यम से मांग की गई कि राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अधिकारी एवं कर्मचारियों को नियमित किया जाए। जब तक नियमितीकरण नहीं हो पाता तब तक 5 जून 2018 की मध्य प्रदेश शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा पारित की गई नीति तत्काल प्रभाव से लागू की जाए एवं CHO को MLHP कैडर के तहत नियमित किया जाए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन से हटाकर आउटसोर्स प्रथा से किए गए स्पोर्ट स्टाफ कर्मचारियों को पुनः राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन में मर्ज किया जाए। संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा 15 दिसंबर 2022 से 3 जनवरी 2023 तक की गई अनिश्चितकालीन हड़ताल के दौरान जिन संविदा कर्मचारियों पर पुलिस ने प्रकरण दर्ज की है वो तत्काल वापस लिए जाएं। रायसेन से संवाददाता राकेश जैन की रिपोर्ट।